बीच में स्ट्रेटेजी एक मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है, जो हमारे एक है जो थे कम्युनिटी जिनके नाम में राम है वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको यह कहा गया कि आप चुप रहिए, देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा क्या, जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए? इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आज देश के सामने आप जाते हैं, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस ईवीएम के कारण आप दो चुनाव जीते हैं आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे कितने विरोधाभास है? मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हूं। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं वो देश के खिलाफ है, कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब? आप सीए की बात कर रहे हैं, वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं। कल एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा दे, कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। ऐसे इतने एग्जांपल के जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा कैसे देश आप पे भरोसा करेगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।